क्या है कोरोना वायरस, कहां से आया, ये वायरस कैसे फैल रहा है दुनिया भर में, और आखिर ये वायरस और कितने लोगों की जान लेगा, और क्या इस वायरस का एटीट्यूड आ चुका है, कैसे बचे इस वायरस से। और इस वायरस के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये किसी का जिंदगी और मौत का सवाल है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं फैक्ट वे, और आज इस वीडियो में इस वायरस का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा के ही रहूंगा। ये वायरस सबसे पहले चाइना की वुहान में फैला, वहां पर पिछले ही महीने या दिसंबर में एक व्यक्ति को पीड़ित पाया गया, फिर धीरे धीरे तीन और लोगों की मौत इसी तरह हुई, जिसे शहर की मेडिकल टीम सक्रिय हो गई। और जब इस बात की पड़ताल की गई किस तरह लोगों की मौत हुई है, तो वो सभी पीड़ितों में एक बात कॉमन थी, और वो था चाइना की वुहान में लगे नॉनवेज बाजार, जहाँ पर सभी प्रकार के नॉनवेज चीजें मिलती है। वैसे तो इस बाजार में सी फूड और मछली वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और यहाँ पर हर वो चीज खाने को मिल जाएगा जिसका नाम आप ले सकते हैं, यानी कि यह मार्केट में कुत्ते बिल्ली से लेकर के चील पक्षी तक भी बेचा जा सकता है, और इन्हें बेचा ही नहीं जाता, बड़े मजे से इन जीवों को मार के खाया भी जाता है। तो दोस्तों, ये बात तो धीरे धीरे साफ हो गई कि कोरोना वायरस इन्हीं जीवों को खाने से हो रहा है, लेकिन जब ये बात साफ होती है तब चाइना की वुहान शहर में 100 से ज़्यादा लोग इसी बीमारी पे पीड़ित हो गए हैं, जिस वजह से तुरंत ही चाइना की सरकार ने इस नॉनवेज मार्केट को बंद करवा दिया। लेकिन दोस्तों, ये वायरस किस चीज से हो रहा है और इस वायरस का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? वैसे अगर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें तो धीरे धीरे जिस हिसाब से ये वायरस फैल रहा है उसे तो साफ पता चलता है कि ये वायरस सबसे पहले जानवरों से इंसान में आया, और अब जब एक बार किसी इंसान में आ गया है तो ये वायरस धीरे धीरे मैन टू मैन फैलना शुरू हो गया है, वरना कैसे पूरी दुनिया धीरे धीरे इस वायरस का शिकार हो जाती। लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं, कैसे ये वायरस अस्तित्व में आया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस उसी वायरस का भाई बंधु है जो आज से करीब 18 साल पहले 2002 से लेकर 2003 तक चाइना में फैला था, जिस वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, हम सार्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज से 18 साल पहले इस वायरस ने चाइना में शुरुआत की, और धीरे धीरे इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, चाइना हमेशा अपने देश में होने वाले घटनाओं को छुपाने की कोशिश करता है, और अगर आप भी इस बात पर गौर करेंगे कि बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल हमारे देश की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन जब बात चाइना की आता है तो हमें चाइना की कोई भी ऐसी बड़ी बात सुनाई नहीं पड़ती जो इसकी रेपुटेशन को खराब करे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है चाइना अपनी देश में हो रही इन चीजों को छुपाने की कोशिश करता है। और इसी वजह से आज से 18 साल पहले सार्स वायरस फैला था, तब भी उसने बहुत सी चीजें छुपाई थी जिसके भरपान हजारों लोगों की मौत से चुकाना पड़ा, और इस बार भी चाइना यही करने की कोशिश कर रहा है, जिस चीज पर सख्त बरतते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को कड़े शब्द में ये कहा कि वो इस वायरस से सभी जानकारियां साफ साफ उन्हें दे दे, ताकि वो इस वायरस के खिलाफ कड़े कदम उठा सके। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इतनी सख्ती करने के बावजूद भी अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर ये वायरस अस्तित्व में कैसे आया। लेकिन अभी तक जांच पड़ताल की माने तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह वायरस सांप की वजह से फैल रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि चाइना में हर बड़े छोटे सांपों को खाया जाता है, और अगर यह वायरस सांपों की वजह से फैला है तो इसका जिम्मेदार चाइना ही है। लेकिन अब यह वायरस सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहा, दुनिया भर में इस वायरस से एग्रेसिव लोगों की खबरें हर पल सुनाई दे रहा है, और कहीं और ही क्यों जाए, पिछले एक हफ्ते से हमारे देश में इससे पीड़ित लोगों की 4 से ज्यादा केसेस आ गए हैं। और तो और, चाइना में न्यू ईयर फेस्टिवल शुरू होने बावजूद भी किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोई ये नहीं जानता कि ये बीमारी और ज्यादा फैले, जिस वजह से सभी देशों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेकिंग शुरू कर दी है, जिसे चाइना से आने जाने वाले लोगों की मेडिकल चेकिंग हो रही है, जिसकी बड़ी वजह है वुहान शहर में हजार से ज्यादा लोग इस बीमारी से एग्रेसिव हो गए हैं, और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और अगर वो इस वायरस से एग्रेसिव होती है तो उन्हें तुरंत मेडिकल ऑब्जर्वेशन में डाला जाता है, जिसे ये बीमारी किसी और को ना फैले। वैसे दोस्तों, इस बीमारी के प्रति जितने भी सावधान बरतनी चाहिए वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वायरस की सबसे बुरी आदत यह है, इसके सिम्टम्स यानी इसका लक्षण आपके शरीर में वायरस फैलने के बाद ही नजर आता है, यानी जैसे किसी को भी ये वायरस ने शिकार बनाया, उसके बॉडी में वायरस पहले फैलेगा और लक्षण बाद में दिखाई देगा। और इस बीमार के लक्षण कुछ खास भी नहीं है कि आप तुरंत चिंता करने लग जाए कि आपको कोई बड़ी बीमारी हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल चीजें ही होती है,
जैसे खांसी, सरदर्द, बुखार, गला खराब होने। अब दोस्तों इन चीजों को सुनकर हमें पता है कि आपको ये लग रहा है ना नॉर्मल के ठंड के मौसम में या फिर फ्लू होने की वजह से सभी चीजें होना नॉर्मल है। तो दोस्तों इसी वजह से ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती जा रही है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को ये सभी चीजें होती रहती है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते और पैरासिटामोल जैसे टेबलेट खा के संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये सभी चीजें हो रही है तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए। और किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाना जिसे इस वायरस के बारे में नॉलेज ही ना हो, क्योंकि ये जल्द ही आपकी जान ले सकती है। और दोस्तों ये बात आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों को ये वायरस चपेट में ले रहा है उनका डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है, अभी तक इन वायरस का एंटीट्यूड नहीं ढूंढा गया और इसीलिए अगर समय रहते हुए आप खुद को सुरक्षित कर लिए तो इन चीजों की होने का खतरा कम हो जाएंगे। वैसे तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है, क्योंकि जितने भी लोग इस बीमारी से अग्रसित हैं उन्हें सर्दी, जुखाम, बुखार, सरदर्द जैसे समस्या है। इसका अलावा ऐसे कोई अनोखा दवाई नहीं बनाई जा सकती, इसका इलाज ढूंढने के लिए जड़ तक जाना पड़ेगा जिसे पता नहीं कितना समय लगेगा। इसलिए इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप सावधानी रखें, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये वायरस तो सिर्फ चाइना में फैला है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम लोग सांप जैसे खतरनाक जीव खाते हैं, तो हम आपको बता दें कि वो तेजी से फैलने वाला वायरस है और जो चाइना से यूरोप बन सकता है और वहाँ के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इंडिया और चाइना फिर भी तो पड़ोसी देश हुए ना, आप खुद सोचिए अगर ये बीमारी यहाँ आ गई या होगा। इसलिए समझदारी से काम लीजिए और हर उस इंसान से दूर बनाए रखें जिससे खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी और सर दर्द जैसे समस्या है। अगर आपके घर में कुछ ऐसी समस्या हो तो हाँ आप कोई बोल रहा हूँ उसे बाकी लोगों से दूर रखें और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और इस वायरस का सोल्यूशन कैसे बचे इस वायरस से, किसी के ज़्यादा क्लोज ना बैठे, किसी के मुंह के पास ना बोले, थोड़ा डिस्टेंस रखे और किसी के पास मत छींके, झूठा ना खाए और कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर से दूर बनाए रखे। और ये सब कुछ टाइम तक, जब तक ये वायरस गायब नहीं होता, क्योंकि अगर ये वायरस किसी एक में आया तो ये फैलना शुरू होगा। और अच्छे से हाथ धोएं, साफ सफाई करें, घर के आसपास सारे गंदगी साफ करें, क्योंकि अगर ये वायरस फैल गया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में पूरा इंडिया आएगा। जैसे स्वाइन फ्लू चला था बीच में 2 से 4 साल पहले, स्वाइन फ्लू से 1000 गुना खतरनाक है ये। और इस वायरस का मेन बात तो ये है इसका कोई एंटीट्यूड नहीं है। और मैं तो बस लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक एक नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अभी की अभी, ताकि सभी को इस खतरनाक वायरस से जुड़ी जानकारी मिल सके और वो भी अपने साथ साथ बाकी लोगों को सतर्क कर पाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देख क्या रहे हो, वही बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करो।